है ना, तो स्ट्रिंग पुली सिस्टम, पुली विथ मास, उसमें देखा था हम लोगों ने कि पुली में मास हो और रोटेट करता है तो उसके दोनों साइड स्ट्रिंग में दो डिफरेंट टेंशन होते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी उसके कराए थे, दो चार क्वेश्चन एसटीवी के कराए थे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करो। जैसे ये इसको कोशिश करो, ये सब छोटे छोटे हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, इसको करो कोशिश।
सर 3G/2 है। क्या आंसर आया? 3G/2। अच्छा, और किसी को? और किसी को कुछ आया? सर एक मिनट, छोटा क्वेश्चन है बेटा। देखो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पुली में मास है, कहीं लिखा है क्या? पुली में मास है या पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा कहीं लिखा है? इसका एक्सेलरेशन अगर ए ऊपर होगा तो इस पॉइंट का भी ए नीचे होगा, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा इस पॉइंट का? यस। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर ए ऊपर होता है, इसका मतलब है ये ऐसे रोटेट करेगा। यस yes. और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा और लेंथ मान लो एल। देखना ध्यान से, टी इंटू एल माइनस स्मॉल एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। ये समझ आया? और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए ऊपर है, मतलब ए इज इक्वल टू अल्फा एल। है ना? बोलो। अल्फा इज ए बाई एल, तो इसको ऐसे लिख देते हैं एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ए बाई एल। इधर हो गया पी एल माइनस एम जी एल बाई टू, तो ये एल एल एल, तो टी माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम ए बाई थ्री। ये एक इक्वेशन हुआ। yes. और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस ब्लॉक का? एम जी माइनस टी इज एम ए होगा। yes. दोनों को ऐड कर दीजिए। एक्सेलरेशन ऑफ टिप ऑफ द रॉड मतलब ए चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो टी टी गया, इधर हो गया एम जी बाई टू, इधर हो गया एम ए बाई थ्री, तो ए की वैल्यू हो गई 3G/2। ऐसा कोई है ऑप्शन? यही आया था आप लोगों को भी? यस सर। वेरी गुड। आया था जिसको इसको ये आंसर आया था, समझो सब ठीक चल रहा है। आगे बढ़ू सर? यहाँ पे मुझे आंसर तो आया, लेकिन मैंने इसे इधर T equals to mg लिया था। किधर? ये इक्वेशन मैंने T equals to mg लिया। T equal to mg लोगे तो a जीरो आ जाएगा, T equal to mg होगा तो क्यों एक्सेलरेशन होगा किसी में? तो ये
वाला ब्लॉक जो है ये वाला, ये तो कहीं नहीं जाएगा ना ऊपर ना नीचे, और ये नहीं जाएगा तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि ये नहीं जाएगा और ये पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कि जस्ट आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज उसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा जस्ट। आगे बढ़ो, लिख लिया सबने? एक और छोटा क्वेश्चन करो। ये कोशिश कीजिए, ये भी छोटा क्वेश्चन है प्रॉपर एग्जामिनेशन फॉर्मेट में।
आया आंसर बोलो। नो सर। तो जीरो पॉइंट सिक्स मीटर रेडियस ड्रम कैरिंग लोड ए, मतलब ये जो हुआ मेरा, इसकी वैल्यू मान लो मैं आर वन कहता हूं, तो आर वन हो गया 0.6 मीटर, है या ना? यस सर। अच्छा, अटैच टू अ 0.9 मीटर रेडियस पुली कैरिंग अ लोड बी, तो ये डिस्टेंस को मान लो मैं आर टू कहता हूं, आउटर रेडियस को, तो मेरा आर टू हो गया 0.9 मीटर, हो गया ये। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो लोड बी मूव्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो ये इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एग्जीक्यूटेड बाय द पुली एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ए 0 से 2 सेकेंड में। ध्यान से सब सुनेगा, एकदम कॉमन सेंस है, बेसिक समझने के लिए क्वेश्चन दिया मैंने, क्योंकि तो इसका अच्छा क्वेश्चन इसके बाद देता हूं। तो ये जरूर ऐसे घूम रहा होगा। यस सर। मान लो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, सब ध्यान से सुनेगा। तो इस 2 मीटर पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं ओमेगा आर टू, लिख सकते हैं, और इस 3 मीटर पर सेकेंड को लिख सकते हैं अल्फा आर टू, बोलो। यस सर। पक्का? यस। सो अल्फा आर टू कितना है 0.9, तो इनटू 0.9, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, थर्टी बाई नाइन, दैट इज 10/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हो गया। है ना? बोलो। Yes. यही काम ओमेगा पर कर दो, ओमेगा और आर टू 0.9, तो यहां से ओमेगा क्या मिला, ट्वेंटी बाई नाइन रेडियन पर सेकेंड मिला, है ना? तो पूछा है कि 2 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, यही पूछा है। यस सर। तो पहले देखते हैं 2 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, उसके बाद कुछ भी। तो 2 सेकेंड में थीटा कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू, इसको इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट लिख लो ऐसा, तो ओमेगा नॉट इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा, इतना ही एंगल जाएगा। यस सर। पक्का? यस। किसी को डाउट है कुछ?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो 20/9 इंटू 2 प्लस हाफ 10/3 इंटू 2 स्क्वायर ऐसा? सो 40/9 प्लस 20/3 तो 9 एलसीएम ले लो, सो 40 + 60 हो गया, दैट इज 100/9 रेडियन हो गया। तो 100/9 रेडियन में कितना रिवोल्यूशन होगा, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय टू पाई। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गया 100/9 डिवाइडेड बाय 2π, तो 2 से 50/9π, ऐसा कुछ आंसर होगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का। (50/9π) हाँ, बी और डी दिख रहा है ना? Yes, sir. अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ए, तो लोड ए कितना ऊपर जाएगा, तो एक रिवोल्यूशन में 2π r1 जाएगा ऊपर, बोलो। Yes, एक रिवोल्यूशन में 2π r1 ऊपर जाएगा। बोलो तो एक रिवोल्यूशन में 2π r1 जो बाहर वाला ड्रम जितना घूम जितना रिवोल्यूशन घूमेगा अंदर वाला उतना ही घूमेगा ना उसी के साथ साथ। यस सर। तो एक रिवोल्यूशन में 2π r1 ऊपर जाएगा और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 50/9π। तो ऐसा कुछ आंसर होगा 100 r1/9। r1 कितना दिया है? 0.6 दिया शायद। Yes. तो 60/9 दैट इज 20/3 meter, ऐसा कुछ आंसर होगा। सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ए वाला पार्ट वापस समझाओ। जब ये सिस्टम एक बार पूरा घूमेगा तो ऊपर जो अंदर वाले ड्रम के ऊपर जो रस्सी है स्ट्रिंग है वो 2π r उसके ऊपर रैप हो जाएगा ना। बोलो। सर्कल का पेरीमीटर 2π r होता है? यस। तो एक बार सर्कल पूरा घूमेगा तो उसके ऊपर धागा 2π r रैप हो जाएगा। यस सर। मतलब एक रोटेशन में ए 2π r1 ऊपर जाएगा। यस सर। तो 50/9π रोटेशन में कितना ऊपर जाएगा? 50/9π इंटू 2π r1। यस सर। समझ आया? समझ में? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
डन सर। हो गया, समझ गया सब लोग, समझ के लिखा, आगे बढ़ो। एक ये देखो, अपनी प्रैक्टिस के लिए देखिए योर सेल्फ। मैं इधर ही कर देता हूँ आपसे। इसको कोशिश कीजिए, टेस्टिंग पुलिस सर पिछली बार भी किया था, फर्क इतना था कि उस समय फ्रिक्शन नहीं था, इसमें एक फ्रिक्शन ऐड कर दिया है और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन से आपके क्या है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो जाती है।
आया कुछ? बोलो। नहीं आ रहा। न्यूमरेटर में रॉन्ग है, डिनोमिनेटर से। ये 10 न्यूटन। ये कितना होगा बताओ? 50 का cos 37 बोलो 40 न्यूटन होगा। cos 37 नहीं, sin 37 ना, 30 न्यूटन होगा। यस सर। तो फ्रिक्शन अगर नहीं रहे तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा कितना? म्यू एन, एन कितना होगा? 40 न्यूटन, 40 × 0.2 कितना होगा? 8। तो 8 न्यूटन इधर, T1 इधर, T2 इधर। ये हो गया यहाँ तक? Yes। तो मुझे T1 T2 ढूंढना है। क्यों नहीं सॉल्व हुआ? तो इसका एक्सेलरेशन a नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन a ऊपर, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज a बाई आर। a बाई आर इधर एक ही बार लिख तो चलेगा? Yes। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे 30 - 8 दैट इज 22 - T1 = 5a। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे T2 - 10 = a। और इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे T1 - T2 × r = i α दैट इज T1 - T2 = iA/r² ऐसा लिखेंगे। ये तीन इक्वेशन हो गया, तीनों को ऐड कर दोगे तो ए मिल जाएगा। Yes। और इस ए को इक्वेशन वन में पुट कर दे कर दोगे तो T1, इक्वेशन टू में पुट कर दोगे तो T2। ठीक है, तो तीनों को ऐड करो तो T1 कैंसिल हुआ, T2 कैंसिल हुआ, 22 - 10 = 12 = 5a + a 6a। तो a कॉमन, 6 + i/r² i है 5 और r है 0.5। तो ये कितना हो गया? I है 5 और 0.5 मतलब 5/0.25 for 1/4, 5 × 4 = 20, 20 + 6, 26a = 12। So a is 12/26 होगा। Yes sir। तो 6/13 m/s² ये a आ गया, a आ गया तो T1 T2 दोनों मिल जाएगा। 2 में पुट कर दो तो T2, तो T2 हो गया 10 + a, तो 10 + 6/13 दैट इज 136/13 न्यूटन। ये T2 हो गया।
136। अच्छा तो ये नहीं होगा, टी वन निकालना है। ठीक है, इक्वेशन वन में पुट कर दो तो टी वन इज 22 माइनस 5A, दिख रहा है? यस सर। टी वन इज 22 माइनस 5A, तो 22 माइनस 5 इंटू 6 अपॉन 13, तो कितना होगा? 256 अपॉन 13 न्यूटन। तो ये T1 T2 का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ऑप्शन ए। आया समझ में बेटा? आप लोगों को, मेडिकल वालों को इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ सकता ये सब। अगर कॉन्फिड जैसे देखो ना, इस इक्वेशन से लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, रोटेशन सब हो गया। इस तरह की प्रैक्टिस करो। इसीलिए आपके दो लेक्चर रखे हैं, एक लेक्चर में थ्योरी, दूसरे में प्रैक्टिस। कम से कम कुछ करो, कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ू? यस सर। वर्क पर एनर्जी पढ़ चुके हो? यस सर। मैंने भी रोटेशनल पावर बताया है। यस सर। क्या होता है? ओमेगा इनटू टॉर्क। वेरी गुड। अच्छा, सर्कुलर मोशन में वो सारे जितने फॉर्मूले हैं, क्योंकि इसमें क्या है, रोटेशन में अगर पॉइंट मास का रोटेशन है तब तो वो सर्कुलर मोशन ही है ना? यस सर। है ना, तो रोटेशन के जितने भी काइनेमेटिक्स थे, v इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा, या जितना भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन था, वो सब रोटेशन में वैलिड है? यस सर। है ना, तो कुछ क्वेश्चंस रोटेशनल वेरिएबल के एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड ये कुछ करो, और ये एकदम छोटे छोटे वन लाइनर है। ठीक है, ये लिख लिया सबने? अभी जो कराया वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी था, अब ये इजी इजी वन लाइनर क्वेश्चन है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाले। सर ये क्वेश्चंस हमने किए हैं, कराए हैं पहले क्या? यस सर। वेरी गुड। अच्छा
अच्छा तो रोटेशनल वेरिएबल के चला चुका एक बार ये देखना ये चारों किए हैं क्या, अगर ये चारों कर लिए हैं तो फिर प्रैक्टिस सेशन खत्म। आपको ये पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम। देखो तो ये वाले चारों किए थे क्या, पहला वाला तो किया था मुझे याद है। हाँ सर पहला वाला किया। ये दोनों किया है क्या उसके बाद? फिफ्थ सिक्स भी किया है? फिफ्थ किया है सर। फिफ्थ किया है, सिक्स और सेवेंथ नहीं किया, यही ना? यस। ठीक है एक मिनट। सेवेंथ भी शायद से किए सर। सब किए हैं। सब किए हैं ठीक है, वेरी गुड। तो चलो अब आपको थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़े हैं हम लोग, बोलो। यस। क्या होता है? एमवी होता है। ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम में आप लोगों को तीन बातें हो सकती हैं। फर्स्ट, अगर प्योर रोटेशन हो रहा है इन केस ऑफ प्योर रोटेशन मतलब है एक्सिस फिक्स है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, फिर तो एंगुलर मोमेंटम एल इज आई इंटू ओमेगा। ठीक है लिखना मत अभी, अभी मत लिखना क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन तो अभी बताया नहीं मैंने, जस्ट अभी कैलकुलेशन सिखाता हूँ, फिर धीरे धीरे डेफिनेशन समझ आ जाएगा। अगर प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है इन केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, एंगुलर मोमेंटम जब भी बोलेंगे तो अबाउट समथिंग होगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट इज पोजिशन वेक्टर आर क्रॉस पी, पी दैट इज जो उसका लीनियर मोमेंटम है। मतलब क्या है इसका भी देखते हैं, दैट इज आर क्रॉस एम इंटू वी। ये है, अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं बट सब एक ही है,
वो कैसे पता चलेगा? जब अभी डेफिनेशन बताऊंगा एंगुलर मोमेंटम होता क्या है तब। पहले इसका मीनिंग समझ लो। सपोज ये कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कहीं इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ यहां पर है, तो जो r वेक्टर है वो ये है और जो v वेक्टर है वो ये है। समझे मेरी बात? यस, है ना। और ये उसके बीच का एंगल है तो mvr sin थीटा लिखेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये v cos थीटा और ये v sin थीटा ऐसा होगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m, ये मास है, अबाउट o हो जाएगा मेरा इस पर्टिकुलर केस में। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? r इंटू एम वी साइन थीटा ऐसा हो जाएगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर a इंटू वेक्टर b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। समझे मेरी बात? a क्रॉस b यही होता है ना, बोलो। यस सर। अदरवाइज वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये जो लीनियर मोमेंटम वेक्टर mv है उसका mv cos थीटा हो गया अलोंग कंपोनेंट, mv sin थीटा हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो r मल्टीप्लाइड बाय mv sin थीटा। यस। आया समझ में? यस सर। पहले ये दोनों कॉपी कर लो, उसके बाद थर्ड केस भी बताता हूँ, क्योंकि फिर जगह छोटा हो जाएगा। सर एंगुलर मोमेंट बताता हूँ, प्रूफ बताता हूँ सबका क्या है। पहले एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन देख ले तो समझ में आ जाएगा। तो देखोगे ये सब एक ही है, कैसे भी बताता हूँ। हो गया? यस सर। लिख लिया? यस। थर्ड केस
अगर ऑब्जेक्ट रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रहा है, इन केस ऑफ कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, मान लो एक डिस्क है, और ट्रांसलेट भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है और ये ओमेगा स्पीड से रोटेट भी कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूं, तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा ये ऊपर वाले दोनों केस का सम, दैट इज एक तो आर क्रॉस एम इंटू वी सी ओ एम, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी ओ एम इंटू ओमेगा, इन दोनों का सम होगा अगर रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है तो। इसको कॉपी कर लो थर्ड केस को। हो गया? यस, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। यस, एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन करो। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का केवल, क्या एंगुलर मोमेंटम पूरे रोटेशन का सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तीनों केस के जरा सा एक बार एग्जांपल से समझो।
केवल ये डिसाइड करो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला सही से लगा पाओ, इतना भी कर लेते हो तो मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। एक बार इसका बताओ। आया कुछ आंसर? एक सेकंड। ये प्रोजेक्ट टाइल ऐसे जाएगा, बोला है जब हाईएस्ट पॉइंट पर हो उस समय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, यही पूछा है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा जिस समय, उस समय इसका लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल होगा। yes, कितना? तो एम यू कॉस थीटा ऐसा होगा। Yes. और इसका पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा। तो ये केस टू है,
ये समझ में आ रहा है कि ये केस टू है? यस सर। तो एक्चुअल में मुझे जो लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालना है, ये क्या होगा? ये होगा आर क्रॉस एम यू कॉस थीटा, यही होगा ना? यस। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मुश्किल लग रहा है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी, या वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए, दोनों में से कोई भी? यस सर। इसका मतलब है आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा। जो कि मैक्सिमम हाइट है। समझ रहे हो? Yes। तो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, एक्चुअल में इस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एम यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यही है ना? अपॉन टू जी। अपॉन टू जी यही है? यस। तो आपका आंसर हो जाएगा एम यू क्यूब स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन टू जी, ये आंसर होगा। आया समझ में कुछ? यस। मैं पहले कह रहा हूं थोड़ा सा, ये एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन और इसका यूज, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है रोटेशनल मैकेनिक्स में। तो अगला नेक्स्ट लेक्चर में पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ मैं इसको फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं उसके प्रॉब्लम ही कराऊंगा, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का ये तीनों फॉर्मूला एक ही कैसे है, क्या है बेसिक डेफिनेशन, वो सिखाऊंगा। ठीक है? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। थैंक यू सर। या बाय। थैंक यू सर।